हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरुस्सलाम आज आपका अपने चैनल माय विजन इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम ये सेशन शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है ओजोन। ओजोन जो एक गैस होती है और एक लेयर भी होती है। ओजोन जो लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर मेनली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि इसका कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है यूवी रेस को फिल्टर करना, मतलब सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको फिल्टर करने का काम किसका होता है? ओजोन का। ओजोन सन से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जो भी ओजोन बनती है वो किसकी वजह से बनती है? यूवी रेस के एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब क्वेश्चन आता है कि यूवी रेस कितने टाइप की होती है, तो आपको सामने दिख रहा है यूवी रेस तीन तरह की होती है, ए, बी और सी। इसमें से सबसे हार्मफुल और सबसे पावरफुल जो यूवी रेज होती है वो होती है सी। ये सबसे हार्मफुल होती है। हार्मफुल होने का मतलब ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ए, बी और सी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो आपकी यूवी रेज होती है वो होती है सी। वो अर्थ तक कभी नहीं आती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, बी। हमारे अर्थ पर ए और बी आती है, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि वो कौन सी यूवी रेज है जो अर्थ पर आती है, तो है ए और बी। इसमें से बी जो होती है वो ओजोन के थ्रू फिल्टर की जाती है। तो ओजोन किस यूवी रेज को फिल्टर करता है? बी को। बी 99% ओजोन के थ्रू फिल्टर की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है और ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब बची ए, तो ए हमारे अर्थ तक आती है। अर्थ की सरफेस तक आती है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि वो कौन सी यूवी रेज है जो अर्थ की सरफेस तक आती है, तो आंसर क्या है? ए। वो कौन सी यूवी रेज है जिसको ओजोन फिल्टर करता है? आंसर है बी। वो कौन सी यूवी रेज है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है? वो है सी। तो वहाँ पर यूवी रेज कितनी तरह की है? तीन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इतनी देर में हमने समझा कि ओजोन किसकी वजह से बनता है। ओजोन बनता है सन से आने वाली यूवी रेज की वजह से। और यूवी रेज सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? पड़ती है इक्वेटर। तो सन की रेज भी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर, यूवी रेज भी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर, तो ओजोन सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी? इक्वेटर पर। तो ओजोन की मोटाई हमारी पूरी पृथ्वी पर समान नहीं होती है। इक्वेटर पर इसकी मोटाई सर्वाधिक या मैक्सिमम होती है और इक्वेटर से पोल तक आते आते इसकी मोटाई कम होने लगती है। पोल्स पर इसकी मोटाई सबसे कम होती है। अब क्वेश्चन आता है कि पोल्स हमारे पास कितने हैं? तो पोल्स हमारे पास दो हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल जिसका नाम है आर्कटिक और साउथ पोल जिसका नाम है अंटार्कटिक। साउथ पोल जो अंटार्कटिक है, यहाँ पर ओजोन की लेयर इतनी पतली है कि वहाँ पर हो गया है क्या? ओजोन होल। अब ये जो ओजोन होल हुआ है ये कब हुआ? हम लोग मानते हैं कि 70 के दशक में ये ओजोन होल हुआ, 70s के डिकेड्स में। लेकिन इसको ढूंढा कब गया? इसको ढूंढा गया 1985 में, 1985 में। किसने ढूंढा? एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे, जोसेफ फॉरमैन और उनकी टीम ने। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ओजोन होल को किसने ढूंढा? तो आंसर है जोसेफ फॉरमैन ने। अब जब जोसेफ फॉरमैन ने ओजोन होल को ढूंढा तो वो दो चीज़ पर निकल गए। पहला, ओजोन होल क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर है ओजोन होल हो रहा है बिकॉज ऑफ CFC। CFC का फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब ये CFC जो है इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रियॉन्स। ये फ्रियॉन्स बहुत ही हार्मफुल गैस है। ये कहाँ से हमें मिलती है? AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जितनी भी कूलिंग करने वाली डिवाइसेस होती हैं उनमें हम CFC इस्तेमाल करते हैं। CFC जो होती है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या रिलीज करती है? क्लोरीन। और क्लोरीन का एक अणु या एक मॉलिक्यूल्स हमारे ओजोन के 50,000 से
एक लाख मॉलिक्यूल्स तक को डिस्ट्रॉय करता है, इसे याद रखिएगा। मतलब इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के 50,000 मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, तो आप समझ सकते हैं क्लोरीन कितनी हानिकारक है। और एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ओजोन को कौन नुकसान पहुंचाता है, सीएफसी। ऑप्शन में अगर सीएफसी नहीं है तो क्लोरीन, क्लोरीन नहीं आयोडीन, इन शॉर्ट ऑल दीज आर नोन एज हैलोजन। तो हम इसकी जगह पर हैलोजन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि वो कौन सा एलिमेंट है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका आंसर है सीएफसी। सीएफसी नहीं तो फिर हैलोजन। हैलोजन हमारे पीरियोडिक टेबल के सेकंड लास्ट ग्रुप में पाए जाने वाला एक पूरा ग्रुप है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये निकल गया है कि कैसे, कैसे मतलब अगर इन्होंने ओजोन होल ढूंढा तो इसका मतलब कैसे पता किया, इसका मतलब इन्होंने ओजोन को नापा होगा। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओजोन को हम कैसे नापते हैं, तो ओजोन को हम डॉब्सन यूनिट से नापते हैं। ओजोन को नापने का मात्रक क्या होता है, ओजोन को नापने का मात्रक होता है डॉब्सन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डॉब्सन इज द यूनिट ऑफ, आंसर होगा ओजोन, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ओजोन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ओजोन इज डॉब्सन। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास ओजोन होल हो रहा है उसकी वजह सीएफसी, तो हमने फौरन फौरन क्या करना शुरू किया, एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन शुरू किया। किससे रिलेटेड सम्मेलन शुरू किया, ओजोन से रिलेटेड। तो ओजोन से रिलेटेड हमारे पास दो सम्मेलन पेपर में बहुत आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ओजोन के लिए होने वाला पहला सम्मिट, तो पहला सबमिट कौन सा था, जब हमने ओजोन होल ढूंढा उसी साल हमने सबमिट कर दिया। कब किया, 85 में। कहाँ किया, वियना में। सबमिट का नाम भी क्या था, वियना। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है और वहाँ पर हमने इस सबमिट को पूरा किया। तो ये याद रखिएगा, पहला सम्मेलन जो ओजोन के लिए हुआ वो कौन सा था, वियना। और दूसरा सम्मेलन जो हुआ और सबसे बड़ा सम्मेलन जो हुआ वो था आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन कैनेडा, ये कनाडा का एक शहर है। और ये मॉन्ट्रियल सम्मिट कब हुआ, 16 सितंबर 1987 में। अब 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं ओजोन डे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। अब इस मॉन्ट्रियल सम्मिट में हुआ क्या, वियना में तो कोई खास चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन जो ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन था इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आई। सबसे पहले तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली सीएफसी गैस को रोकने की प्रक्रिया चालू हुई, और उस प्रक्रिया के दौरान इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि कैसे सीएफसी को रोका जाए। सबसे पहले इसका उत्पादन बंद किया गया, और उत्पादन बंद किया गया इसका मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट लगाया गया होगा। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या लगा, इसका रिप्लेसमेंट लगा HFC। यहाँ पर हमने ध्यान दे रहे थे कि कौन नुकसान पहुँचा रहा था, क्लोरीन, तो हमने सी हटा दिया, क्या लगा दिया, एच। तो अब क्लोरीन की जगह हमने हाइड्रो लगा दिया, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। तो आज के टाइम में हम जो एसी में गैस भरते हैं वो कौन सी होती है, एचएफसी। अब ये जो एचएफसी है हमने जल्दी जल्दी में लगा तो दिया, लेकिन इसकी समस्या आज हमें देखने को मिल रही है। आज के टाइम में हमारी जितनी भी एसी यूज़ होती है उनमें सीएफसी नहीं भरी होती, बल्कि क्या भरा होता है, एचएफसी। अब एचएफसी जो होता है हमारे पास हर दूसरे तीसरे घर में, मॉल्स में, गाड़ी में, हर जगह एसी लगा हुआ है। एसी हमारे रूम्स को, एरिया को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, लेकिन इसका एक वेंट या आउटलेट होता है जहाँ पर एचएफसी गैस रिलीज़ होती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत तेज़ी से गर्म कर रही है। तो हमने जल्दी जल्दी में सीएफसी या ओजोन होल का एक रिप्लेसमेंट तो लगा लिया, लेकिन ये रिप्लेसमेंट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूतापन या वैश्विक तापन को बढ़ा रहा है। और धीरे धीरे करके हमें समझ में आ गया कि हमने जो रिप्लेसमेंट लिया है ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक क्वेश्चन आता है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा कि एचएफसी को रोकने के लिए हमने कौन सा सम्मेलन किया और कब किया और कहाँ किया, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइक और सबमिट करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच।